हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। मैं हूं विकास। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारतीय एयरटेल एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है इंदौर के मध्य प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है अपॉर्चुनिटी। तो कई लोगों का ड्रीम होता है कि एक अच्छी सी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम करें, तो उसी के अंतर्गत आपको ये अच्छा मौका मिल रहा है कि आप इस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। ओपनिंग जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस के लिए है इंदौर लोकेशन में। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है, पूरा फाइनेंस के बारे में है जेडी, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओपनिंग है इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Responsible for FP&A to derive data and voice revenue for circle. एक सर्कल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और उसकी एनालिसिस करना, इससे रिलेटेड वर्क रहेगा। इन्होंने जो अनुभव की मांग की है, यानी एक्सपीरियंस जो चाह रहे हैं, वो ये है 4 to 9 years का, और इंदौर लोकेशन के लिए है। जो मेन इनका डिजिग्नेशन रहेगा, जो हायरिंग करें, है DSS FP&A के लिए, और सैलरी भी है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑफर करेंगे। सैलरी क्या रहेगी, 15 लाख से 22 लाख पर एनम की रहेगी, जो यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। और जो डिजायर्ड प्रोफाइल मांगी गई है वो MIS रिपोर्टिंग, FP&A जो मैंने अभी बताया आपको, ऑपरेशनल प्लानिंग रहेगी, बजटिंग रहेगी और कॉस्ट एनालिसिस की रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो डिमांड की, एनी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसमें एनी स्पेशलाइजेशन जैसे CA को प्रेफरेंस रहेगी, MBA में PGDM फाइनेंस प्रेफरेंस रहेगी, तो ये रहेगा। और यदि कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी की प्रोफाइल आपको सभी के को पता है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जो इंडिया में 3rd नंबर की आती है। और रिक्रूटर नेम जो है शोभित जैन है। वॉक इन जा सकते हैं आप, या naukri.com के थ्रू पहले अप्लाई कर लीजिए या बात कर लीजिए। इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो इसी तरह के ऑसम वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और